हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज मैं जो प्लांट लेके आई हूँ वो बहुत ही रेयर प्लांट है। हर किसी के गार्डन में आपको ये प्लांट नहीं मिलेगा और इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक जो कॉमन नेम है जो माली नर्सरी में आपको बोलने से मिल जाएगा वो है इसका फर्स्ट लव नाम है। देखिए, प्लांट का नाम ही फर्स्ट लव होगा तो गार्डनिंग से प्यार किसको नहीं होगा। येलो शेड में भी आता है, येलो शेड में इसका नाम होता है गोल्डन पैंडा, और दोनों ही शेड बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इसका बोटैनिकल जो नेम है वो है जैंथोस्टीमन क्रिम्सन भी बोला जाता है इसको, जैंथोस्टीमन क्रिसेंथस भी बोला जाता है पूरा नाम। और ये हैवी फीडर प्लांट है एक तरह से, क्योंकि देखिए अभी तो ये मेरे पास आया है, मैं नोटिस करूँगी कि कब कब इसमें ब्लूमिंग होती है, बट मैंने सुना है कि इसमें हर तीसरे महीने के बाद ब्लूमिंग होती है, तो इसके हैवी फर्टिलाइज़र इसको मिलना चाहिए। और इसी के ही केयर टिप्स आपको मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो नए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें पहले, और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इससे क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं और पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो ये देखिए, रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है फ्लावर और लीफ का। तो शुरुआत करते हैं इसकी, जो मिट्टी से शुरुआत करते हैं, मोस्टली ये रेड कलर की मिट्टी में आता है मेरा भी, आपने नोटिस किया होगा, ये देखिए रेड कलर की मिट्टी में लगा हुआ है। लेकिन जो ये रेड कलर की मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा मतलब वेल्ड्रेन नहीं होती है, इसको वेल्ड्रेन बनाना पड़ता है, या फिर इसकी इस प्लांट को जब मैं रिपोर्ट करूँगी या तो बिल्कुल वॉश करके टब के पानी में रख के इसको वॉश करके फिर लगाऊँगी, या फिर थोड़ा थोड़ा इसकी मतलब मिट्टी निकाल के थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ही लगी रहेगी फिर इसको उसमें पॉट में लगाऊँगी। तो आपके जो ये रेड मिट्टी में जो अक्सर प्लांट आते हैं वो रिपोर्ट करने के बाद कई बार डाउन हो जाते हैं, वो नहीं होगा। और वेल्ड्रेन बनाने के लिए मिट्टी को एक हिस्सा गार्डन सोयल, एक हिस्सा गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट आप जो भी यूज करते हैं, और एक हिस्सा कोकोपीट या राइस हस्क अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं, या यमुना सैंड जो भी, या परलाइट अगर आप सिटी में रहते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा वेल्ड्रेन बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वेल्ड्रेन बनाने के लिए, जो आइटम मैंने आपको बताई हैं 3-4। और इसके साथ साथ आप वेल्ड्रेन बनाने के साथ साथ आप जब पोट लेंगे तो पोट भी 10-12 जो 10 या 12 कम से कम इससे बड़े साइज का होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट है इस ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो इसको मतलब ये एक तरह से बड़े प्लांट के रूप में, अगर आप बड़ा पोट लेंगे तो बड़ा इसकी हाइट अच्छी जाएगी, और उसमें भी जो ड्रेनेज होल है उसका भी ध्यान रखना है। अगर एक ही ड्रेनेज होल है तो उसमें और ड्रेनेज होल कर लीजिए, क्योंकि रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। और ये तो हुई मिट्टी की बात और पोट की बात, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र आप इसमें कौन कौन से डालोगे? फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद काफ़ी है इसके लिए, लेकिन हैवी फीडर है तो हर महीने एक एक मुट्ठी एक कोई भी खाद आप डाल सकते हैं, और वो खाद आप बिल्कुल गमले के रिम के पास डालना है,
क्योंकि देखिए जब प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ होने लगता है तो उसकी जो रूट्स हैं वो बाहर की साइड ही आना शुरू हो जाती हैं। जब आप किसी प्लांट को निकालते हैं तो आप देखते हैं रूट्स का पूरा जाल बिछा आपको दिखाई देता है, तो जो रूट्स हैं वो ग्रो होकर बाहर की साइड ही जाती हैं, इसलिए आप एक एक मुट्ठी बिल्कुल आउटसाइड आप डाल सकते हैं बजाय कि इसकी स्टेम के पास डालिए। तो इस तरह से आपने फर्टिलाइजर डालना है, और फर्टिलाइजर में जब आप रिपोर्ट करते हैं तो नीम खली और फंजीसाइड तो ज़रूर डालिए ताकि रूट्स को फंगस ना लगे, और अगर आप ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो सिनेमिन पाउडर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ी सी प्लांट्स के लिए अच्छी रहेगी ये। और फिर आती है बारी वाटरिंग की। वाटरिंग आपको कैसे करनी है, इसमें वाटरिंग इसकी सोयल जो है वो मॉइस्ट रखनी है, सोगी नहीं रखनी है, मॉइस्ट रखनी है, और बहुत ज़्यादा जब गर्मी आती है तब आप इस में मल्चिंग कर सकते हैं सोयल को मॉइस्ट रखने के लिए ताकि ड्राई ना हो सोयल और एकदम से मतलब धूप ना पड़े उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, और ड्राई ना हो, तो सोयल को मॉइस्ट रख सकते हैं। वाटरिंग बिल्कुल ड्राई भी मत होने दें मिट्टी को, और ओवर वाटरिंग ना करें। और फिर आती है बात लोकेशन की, आप कहाँ रखेंगे इस पॉट को जहाँ पर ये अच्छे से चले। वैसे तो ये सन लविंग प्लांट है बट आप उसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर सुबह की धूप और जाती हुई धूप आती हो, मतलब हल्की धूप इसको अच्छी लगती है। जो 12 से 2 वाली जो स्कॉर्चिंग हीट होती है उससे इसका बचाव करना है। अगर आपका प्लांट जमीन में है तो आपको इस तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स जमीन में होते हैं उनको इन चीज़ों का असर कम होता है। गमले में अगर प्लांट होता है आपका तो उसको उसके लिए आपको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और वैसे तो इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी नीम ऑयल का स्प्रे आप इस पे कर सकते हैं टाइम टू टाइम ताकि इस पर इंसेक्ट ना ही लगे तो अच्छा है। और सोयल की बात की, वाटरिंग की, और हाँ प्रोपोगेशन के पर आते हैं। अब प्रोपोगेशन आप इसकी जो स्टेम काट कर जो प्रोपोगेट करोगे वो बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाएगी सीड से ग्रो करने के बजाय, इसलिए जब इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है जब इस पर फूल नहीं आते हैं तब आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हो। और प्रूनिंग की अगर बात करें तो प्रूनिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्लांट है अगर आप उसको अच्छी शेप देना चाहते हैं तो उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्लांट ज़मीन में है तो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब वो भी तब करें जब प्रूनिंग किसी भी प्लांट में जब करें जब उसकी फ्लावरिंग बंद हो, प्लूमिंग करना बंद कर दे। जब आप प्रूनिंग कर सकते हैं तो आपको मल्टीपल स्टेम मिलेंगी और नेक्स्ट टाइम आपको मल्टीपल ब्लूमिंग भी मिलेगी, तो इससे एक तो आपके प्लांट की शेप अच्छी होगी और एक आपको अच्छा ज़्यादा ब्लूमिंग वाला प्लांट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये कितने में मिल जाता है, ऑनलाइन ये प्लांट महंगा मिलता है इसलिए ऑनलाइन मेरी सलाह से तो आप ना ही ले तो अच्छा है। नर्सरी जाकर आप लेते हैं तो लोकेशन वाइज थोड़ा बहुत फ़र्क मिल जाएगा, लेकिन 200 से 300 के बीच में आपको ये प्लांट तो फिर भी मिल जाएगा इतनी हाइट का। अगर थोड़ा बड़ा होगा तो आपको उसका ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा प्लांट होगा उसका वो थोड़ा कॉस्टली आता ही है। और ये वाला प्लांट ऐसे जो रेयर प्लांट होते हैं उनके उनके प्राइस वैसे भी थोड़ा हाई होते हैं,
जो कॉमन प्लांट होते हैं उनको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं नर्सरी से, बट ये वाले प्लांट आपको थोड़े महंगे ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा प्लांट आपको किसी के गार्डन में देखने को नहीं मिलेगा, रेयर प्लांट है ये, इसलिए कुछ प्लांट रेयर जो होते हैं वो भी अपने गार्डन में शामिल करना अच्छा लगता है। तो ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसकी केयर के बारे में। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया होगा, फिर भी कोई अगर कोई पॉइंट छूटा है मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। इसी के साथ विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर।